वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की बात की जाए तो 1.80 पे रिसेंटली ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक, मीन तकरीबन 5 पैसे की तेजी देखने को मिले आज के दिन में। फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर 2.86% यहाँ पे फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक आज के दिन में तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो आज ओपन भी देख सकते हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर जो फ्लैट मीन्स प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद यहाँ पे सुबह में अपर सर्किट में लॉक हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.180 लेवल पे मार्केट कैप देखोगे तो 358 करोड़ की मार्केट कैप है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक की। और यहाँ पे देखा जाए पिछले 5 दिनों की मूवमेंट देखी जाए तो गिरावट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि रिसेंटली यहाँ पे बाउंस बैक किया है, मीन्स टोटल 5% की गिरावट यहाँ पे फिर भी देखने को मिले हैं फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर। तो रिसेंटली फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के बाकी के डिटेल देखेंगे, जैसे कि वॉल्यूम के ऊपर नजर डालेंगे तो फ्यूचर कंज्यूमर का वॉल्यूम भी देखा जाए तो 13 लाख का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है आज के दिन में, कोई खास वॉल्यूम भी जनरेट नहीं हो चुका है। ट्रेडेड वैल्यू जो है 23.39 लाख की ट्रेडेड वैल्यू देखने को मिले स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते कि बाइंग के लिए 19 लाख 66,000 क्वांटिटी पेंडिंग है और सेलिंग के लिए एक भी क्वांटिटी पेंडिंग नहीं है, मीन्स टोटली बाइंग का प्रेशर देखने को मिला है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के अंदर। तो फ्यूचर कंज्यूमर का चार्ट भी देखा जाए तो फ्यूचर कंज्यूमर के चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो देख सकते हैं रिसेंटली कल यहाँ पे गिरावट हो चुकी थी, आज फिर से रिकवरी हो चुकी है, जितनी गिरावट हो चुकी थी उतनी, पर ऐसे फिर से बाउंस बैक होता है तो 1.90 पर जा सकता है क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस लेवल है फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.90 तक जाता है तो फिर से रेजिस्टेंस लगने के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट फ्यूचर कंज्यूमर स्टॉक के लिए।